जिस तरीके से। तो दोस्तों, अजय देवगन की भोला फिल्म की प्रमोशन स्टार्ट कर दी गई है, और ऐसे में अजय देवगन इस फिल्म की प्रमोशन इतने अच्छे अच्छे तरीके से कर रहे हैं ना, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब फिल्म के प्रमोशन के लिए ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी निकाल रहे हैं जो कि हमारे सोच से ही बाहर है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन तरीकों से इस फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा अगर आप भोला फिल्म का क्रेज जानना चाहते हो। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो में बताया था कि अजय देवगन अपनी फिल्म की प्रमोशन ट्रक इवेंट के द्वारा भी कर रहे थे। काफी सारे ट्रक पे ही अपना पोस्टर चिपका दिए हैं भोला फिल्म का। अब सोचिए, वो ट्रक जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ के लोग देखेंगे और उससे इस फिल्म का क्रेज और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, रिसेंटली दो इमेज मुझे ऐसे मिले हैं जो देखकर मुझे काफी शानदार लगा। जी दोस्तों, भोला फिल्म की अब अगरबत्ती भी आने लग गई है उड़ीसा में। अगरबत्ती का नाम लिखा हुआ है मधुकुंज अगरबत्ती भोला, और इस पे अजय देवगन का भी पोस्टर है भोला टाइटल के साथ। कसम से बोलूं ना, ये स्ट्रेटजी मुझे काफी शानदार लगा। मतलब जो भी अगरबत्ती खरीदेंगे वो जरूर इस फिल्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस फिल्म को देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे में बहुत ही नजदीक है फिल्म का रिलीज डेट। इसके अलावा दोस्तों, फ्री प्रेस जर्नल नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, उस अकाउंट ने शेयर किया है भोला फिल्म की कुछ डिटेल्स। मतलब कि इस फिल्म को प्रेस के जरिए भी प्रमोट किया जा रहा है, जो कि काफी शानदार है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा प्रमोशन शायद कोई और कर पाया होगा अभी तक, जितना प्रमोशन अजय देवगन अपनी फिल्म भोला का कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदी भाषा में ही रिलीज हो रही है। सोचो, अगर पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होती तो ये फिल्म और ज्यादा ब्लॉकबस्टर होती, 1000 करोड़ तक का भी कलेक्शन पार कर जाती। लेकिन ये फिल्म सिर्फ हिंदी भाषा में ही रिलीज की जा रही है, फिर भी इसका क्रेज बहुत ज्यादा है, लेकिन काफी सारे लोग तो देख भी नहीं पाएंगे ना, ये भी बात सही है। वैसे प्रमोशन का ये तरीका आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है, इस स्ट्रेटजी का फॉलो बॉलीवुड भी आगे कर पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और फिल्म से रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।